हरी बोल हरी हरी बोल हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। वैसे टाइटल से आपको पता लग गया होगा, आज आपके साथ में शेयर करूंगी मेरे लाला लाली का जो रूम टूर आपके साथ में कराने जा रही हूँ कि किस तरीके से मेरे लाला लाली का रूम है, कैसे सारा मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ। वैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो वीडियो है अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन, वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आप कहेंगे तो मैं फिर से शेयर कर दूंगी। तो चलिए जल्दी से आपको अपना रूम दिखाती हूँ, मेरे लाला लाली का रूम, मेरा मंदिर, मेरा वृंदावन, मेरा बरसाना, मेरा सब कुछ और मेरा साक्षात वृंदावन के आपको दर्शन कराती हूँ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, हरि बोलो जी। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ मेरे लाला लाली के रूम में, और देखिए सभी लोग आराम से विराजे हैं और क्या कर रहे हैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे मंदिर का कुछ इस तरीके से, इधर मेरा डाइनिंग एरिया है, ये है मेरा इधर किचन, और ये मेरे लाला लाली का रूम है जहाँ से मैं रोज़ इनको सुबह दोपहर में ऐसे ही देखती रहती हूँ। और ये देखिए मेरे लाला लाली के गेट पे ना इस तरीके से इनके घोड़े भाई दरबान जो है ना इनके खड़े रहते हैं। और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो कूलर हमारा बंद बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि गर्मियाँ अब बहुत बढ़ गई हैं। तो चलिए मंदिर में एंट्री करते हैं, हरि बोलो। तो जी ये देखिए सभी लोग विराजे हैं, पहले मैं दर्शन करा देती हूँ आपको अपने लाला लाली के। ये देखिए सभी लोग अपनी नाइट ड्रेस में आ चुके हैं और चल रहा है भाई इनका कार्टून, और सभी लोग कार्टून देख रहे हैं कितने ही मज़े से देखिए। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं दर्शन कराती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से मंदिर में एंट्री करते ही सबसे पहले ये सामने मेरे लाला लाली का चौकी है, सिंहासन है, और ये है कुछ इस तरीके से देखिए कर्टन्स जो कि मैंने अभी ही चेंज किए हैं। और ये देखिए कूलर की हवा से ये थोड़ा इधर हो गया है, तो इस तरीके से, क्योंकि देखिए सर्दियों में जो मैं कर्टन्स होता है उसको लाइट शेड का कर देती हूँ और गर्मियों में जो कर्टन्स होता है उसको मैं डार्क शेड का कर देती हूँ, कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए, और कुछ इस तरीके से बहुत ही सिंपल डेकोरेशन की हुई है मैंने। और ये मेरा भैया, मेरा बच्चा, मेरा लाल बैठा है, मेरा गोपू। और कुछ इस तरीके से देखिए ये हो गया इतना। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरे बिहारी लाला और मेरे लक्ष्मी नारायण, मेरे प्रभु यहाँ पे विराजे हैं। देखिए इस तरीके से जी, ये चौकी जो है ये मेरे बिहारी लाला, मेरे लक्ष्मी नारायण, मेरे प्रभु, मेरे दीनानाथ की है। और भाई जहाँ मेरे नारायण होंगे तो भोलेनाथ बाबा तो दौड़े चले आएंगे। और देखिए ज़रा ये जो चौकी है ये मेरे भोलेनाथ बाबा, गौरी माता और गणपति जी यहाँ पे विराजते हैं कुछ इस तरीके से। और इनसे कुछ डेकोरेशन है, बहुत ही सिंपल डेकोरेशन है, और ये इस तरीके से नवरात्रि से अभी ऐसे ही डेकोरेशन मैंने कर रखा है, चेंज नहीं किया है लेकिन मैं चेंज करने वाली हूँ। और इस तरीके से देखिए मेरे बिहारी लाला अपने फूल बंगले में विराजे हैं। अब मैं आपको आगे का दिखाती हूँ, इससे मेरा मंदिर हो गया। अब मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ, इस तरीके से वुडन की रैक्स लगी हुई हैं और ये मैंने यहाँ पे गोल्डन शेड में वॉलपेपर लगवाया हुआ है। और ये देखिए चित्रपट भी है, महालक्ष्मी माँ मेरी, नारायण, लक्ष्मी माता, गणेश जी, और इधर विंध्यवासिनी माता। और कुछ इस तरीके से देखिए ये मैंने खुद की पेंटिंग बनाई हुई है, मुझे पेंटिंग बहुत बनाने का शौक है। और इस तरीके से कुछ लुक आता है क्योंकि गोल्डन वॉलपेपर है तो ये बहुत अच्छा लगता है जी। तो ये हो गया फ्रंट का इस तरीके से, और ये रहा मेरा पूरा कर्टन्स और पूरा ये रहा। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ, तो देखिए इधर का इतना हो गया।
ये तो हो गया फ्रंट का। देखिए कुछ इस तरीके से मेरा मंदिर लगता है। अभी मैं आपको उधर पूरा वन भी दिखाती हूँ मेरे लाला का। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड। यहाँ पे सर्दियों में पूरा प्रॉपर कारपेट आ जाती है, लेकिन अभी क्योंकि गर्मियाँ हैं तो मैंने कारपेट नहीं बिछाया हुआ है। फिर देखिए ये कॉर्नर देख लेते हैं। ये रहा मेरा लाला का अलमीरा। यहाँ पे मेरे लाला की सारे उनके वस्त्र वगैरह रहते हैं कुछ इस तरीके से। और अलमीरा के ऊपर ये आपको इधर दिखा देती हूँ, यहाँ पे छोटी सी देखिए डस्टबिन भी रखी हुई है, क्योंकि जो रोज़ मैं माचिस वगैरह जलाती हूँ उसके लिए। और ये देखिए मेरे लड्डू बाबू लाडो का छोटा सा प्यारा सा वार्डरोब है, जिसमें मेरी लाडली का सारा देखिए जो ज्वेलरी वगैरह होता है वो मेरे लड्डू बाबू और लाडली का मेरी लाडो का रहता है जी। ये जो दो जार होते हैं देखिए, ये जितनी भी लाला के रोज का मेरा सामान होता है पूजन का, जो मतलब मुझे ये बाउल्स वगैरह चाहिए होते हैं, देखिए इस तरीके से ग्लास चाहिए होता है, तो वो मैं इस तरीके से ग्लास जार्स में रखती हूँ, क्योंकि ये जो ब्रास के आइटम्स है अगर इनमें जरा भी हवा लग जाती है तो ये तुरंत काले पड़ने लगते हैं। इस तरीके से इसमें देखिए मैं पक रखती हूँ, तो ये मुझे ढूंढने में भी बहुत आसानी रहती है, कोई भी जरा भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब भी आप रखिएगा तो बहुत सोच के, मतलब बहुत इसकी केयर बहुत ज़्यादा करिएगा, जिससे ऐसी जगह रखिएगा कि बस लाला लाली से ये दूर हो। इस तरीके से यहाँ पे जार्स वगैरह रखती हूँ। फिर मैं आपको ये कॉर्नर दिखा देती हूँ। ये जो कॉर्नर है देखिए, यहाँ पे मेरे गोपालू के इस तरीके के सारे वस्त्र रहते हैं। इनमें सारा जो भी चुनरी वगैरह होती है, और गोपालू का ये वाला ट्रंक है, इसमें सारा उनके वस्त्र रहते हैं। और ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने रख रखा है, देखिए ये मेरे गोपू की पगड़ी है, जो कि ये थोड़ी हैवी है, तो मैंने हैवी पगड़ी अभी नहीं पहनाया हुआ है। और ये देखिए इनके रोज का जो ये रहा, इनके रोज का जो ये चादर ओढ़ते हैं, और ये मेरे बिहारी लाला का जो गद्दा है जिसपे वो सोते हैं, और इस तरीके के रोज के जो बेडशीट्स वगैरह हैं वो मैं यहाँ रखती हूँ। बाकी जो बेडशीट्स होती हैं वो इस वाले ट्रंक में होती है। और ये मेरे लाला के रोज के बर्तन हैं जो कि रोज पूजा में लगते हैं। ये केवल मैंने यहाँ पे अभी रोज वाले बर्तन में आपको दिखा रही हूँ, जो स्नान वगैरह कराती हूँ। और उधर साइड में मेरे लाला का सिंहासन रखा है, ये ऑयल हो गया। और इस अलमीरा में मेरे लड्डू बाबू लाडो का सारा सामान, जो कि वस्त्र वगैरह रहते हैं, सब इसी में होता है जी। और रोज की पूजा की बत्ती वगैरह भी नीचे रहती है। आपको दिखाती हूँ ये मेरे लाला का बेड, देखिए से यहाँ पे ये टॉवल रखी हुई है, जैसे मैं आती हूँ तो हाथ वगैरह पोछने के लिए। और ये देखिए ये एक फोल्डिंग बेड भी मैंने रख रखा है अपने लाला के लिए, कि जैसे कभी गर्मी आप जैसे या उनका जैसा मन होता है वो कभी मैं इस पर भी पूरा उनका बेड लगा के इस पर भी लेटा देती हूँ। और इस तरीके से मेरे लाला का कुछ बेड है। और यहाँ पे देखिए इस पर लाला के जो मैं सिलाई वगैरह करती हूँ, इसमें वो कपड़े वगैरह मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और ये मेरे लाला का रोज की बास्केट है, इसको मैं इसके ऊपर भी यहाँ पर ऐसे रख देती हूँ जी। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और ये देखिए मेरे लाला का सुंदर सा बिस्तर लगा हुआ है जी, और उनके सारे खेल खिलौने इस तरीके से रहते हैं। और ये देखिए मेरे लाला लाली का सुंदर सा बेड है ये जी। ये जो बेड है ये मैंने ऑर्डर पे बनवाया था। और इस बेड का मैं बता दूं आपको, ये मेरे इस पे बेड पे लड्डू, किशोरी, कान्हा, लड्डू, लाडो, लाडो और मेरे लड्डू बाबू रहते हैं। और बिहारी लाला जो है वो अपने सिंहासन पे ही उनका गद्दा लगता है जी। तो इस तरीके से देखिए ये मेरा मंदिर का इतना इस तरीके से कुछ हो गया। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कुछ इस तरीके का। और फिर देखिए ये रहा मेरे लाला का सुंदर सा प्यारा सा वन। ये देखिए कितना ही सुंदर मेरे लाला लाली का वन है ये। जब भी मेरे लाला लाली का खेलने का मन होता है तो वो यहाँ पे इस तरीके से आके अपने वन में खेल लेते हैं। इस तरीके से देखिए उनके सारे खेल खिलौने सजे रहते हैं। और मेरे लाला का जब भी मन होता है वो यहाँ पे अपना खेलते हैं। और उनका मटका जो है ना, ये मटका मैं बहुत बार इधर साइड कर देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है कि मेरे लाला को इस मटके से इतना प्यार है लाडो को, कि मटका कैसे भी करके वो यहीं आ जाता है जी। तो ये मटका मैं अभी साइड कर दूंगी। कैसे देखिए ये मेरे लाला लाली का निधिवन है जी, मेरा मेरो वृंदावन मेरो बरसाना। और बहुत ही सिंपल डेकोरेशन है मेरे लाला के रूम की। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आज आपको मैंने दर्शन कराए हैं साक्षात मेरे वृंदावन और बरसाना के। और देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये गौ माता विराजती हैं, और ये मेरे लाला का बड़ा झूला है, तो इस पे जब उनका मन करता है तो वो शाम को इस पे झूला झूलते हैं। इस तरीके से देखिए कुछ मैंने डेकोरेशन कर रखी है जी।
कुछ इस तरीके से पूरा मेरा मंदिर मैंने डेकोरेट किया हुआ है। और ये सारी मेरे लाला की डॉल्स और सब कुछ यहीं पे रहती हैं। और ये मेरे केशव का स्कूटर है, जो कि केशव को ना ये स्कूटर से बहुत प्यार है जी। और ये रही लाला की मेरे नौका। तो इस तरीके से कुछ मेरा मंदिर ऑर्गेनाइज्ड है आपके सामने। मैं अलमीरा कैसे लाला की ऑर्गेनाइज करती हूँ उसका वीडियो मैं फिर से ज़रूर जल्दी ही डालूंगी। तो आपको कैसा लगा मेरे लाला लाली का मेरो वृंदावन मेरो बरसाना ज़रूर बताइएगा जी। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये देखिए रात में कुछ इस तरीके से मेरो वृंदावन मेरो बरसाना मेरो स्वर्ग कुछ इस तरीके से लगता है जी। तो चलिए अब लाला लाली को शयन का समय हो चुका है। नहीं तो ये इतने शैतान है ना कि ये ऐसे ही सब लोग देखिए देखते रहेंगे अपना कार्टून। तो चलिए मिलते हैं, हरि बोलो। तो जी कुछ इस तरीके से मेरा मंदिर है। मैं मेरे लाला लाली का जो मंदिर ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ वो इस तरीके से रखती हूँ। अलमीरा का सेपरेट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। और ये मेरा वृंदावन मेरा बरसाना साक्षात मेरे कन्हैया मेरे वृंदावन और मेरा बरसाना है जी। तो इस तरीके से मेरा मंदिर टूर मैंने आज आपके साथ में शेयर किया। क्या चीज़ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आपके साथ अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी मैं जल्द शेयर करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। राधे राधे जी, हरी बोल।